हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्ड चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू। उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो टाइप्स था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली उसमें क्या था, उसमें ओनली वन पेरेंट सेल वॉज इन्वॉल्व, राइट। एक ही पेरेंट सेल था, देयर वर नो टू गैमेट्स। सो उसके हम लोग ने टाइप्स भी देखे। यूनिसेल्युलर में बाइनरी फ्यूजन था, जिसमें तीन एग्जांपल्स थे, अमीबा, पैरामेशियम एंड यूग्लिना। फिर उसके बाद में मल्टीपल फ्यूजन था, आफ्टर मल्टीपल फ्यूजन बडिंग। ओके, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तीन टाइप्स थे, दैट इज बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडिंग। एंड मल्टीसेल्युलर में देयर वर फाइव टाइप्स, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सी, बेसिकली रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है, दैट इज ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी विल स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाउ। सो see what happens in sexual reproduction. Sexual reproduction occurs with the help of two germ cells. It is opposite that of asexual reproduction. Asexual reproduction mein kya tha, ek hi germ cell tha ya fir ek hi parent cell tha, but in sexual reproduction kya hai, do germ cells hai. Do germ cells matlab male gamete aur female gamete, do parent cells hai yahan pe. Okay, this there are two processes इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेसेस हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स थे, दैट इज एसेक्सुअल इन यूनिसेल्युलर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर, राइट। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेसेस है, दो टाइप्स नहीं, दो प्रोसेसेस है, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन। ओके, सी वंस अगेन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स। टू जर्म सेल्स मीन्स देर इज मेल गैमेट एंड सेकेंड वन इज द फीमेल गैमेट। यहाँ पे दो पेरेंट सेल्स इन्वॉल्व है, ओके। एंड यहाँ पे दो प्रोसेसेस है, टू प्रोसेसेस है, ओके। जैसे एसेक्सुअल में दो टाइप्स थे, वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेसेस है, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन मीन्स दिस मेल एंड फीमेल गैमेट पहले फॉर्म होते हैं ह्यूमन बॉडी में, या फिर एनिमल बॉडी में मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं। उस दिस फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेट फॉर्मेशन। एंड फर्टिलाइजेशन मीन्स यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट जब यूनाइट होकर जाइगोट फॉर्म करता है, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस। अभी मियोसिस भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। मियोसिस इज व्हाट, इट इज द रिडक्शनल डिवीजन विच फॉर्म्स फोर डॉटर सेल्स। ओके, सो गैमेट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस। मियोसिस आफ्टर मियोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीजन गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। इन मियोसिस क्रोमोजोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, हेंस द गैमेट्स आर फॉर्म। जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होते हैं टू व्हाट, हाफ, एंड हेंस गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ओके, देन फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन क्या है, डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, डिप्लॉइड मीन्स व्हाट, इट इज डबल। ओके, एंड हैप्लॉइड मीन्स सिंगल। तो सिंगल मेल गैमेट एंड सिंगल फीमेल गैमेट विल फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, आफ्टर यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अ जाइगोट इज फॉर्म, एंड दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो, एंड दैट एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, अ न्यू न्यूबॉर्न बेबी इज फॉर्म आफ्टर दिस जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, सी हैप्लॉइड मेल गैमेट मीन्स सिंगल मेल गैमेट प्लस सिंगल फीमेल गैमेट विल फॉर्म व्हाट, डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, दिस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विल यूनाइट एंड विल फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। सी जाइगोट, जाइगोट का क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, जाइगोट विल नॉट डायरेक्टली फॉर्म अ एम्ब्रियो और नॉट डायरेक्टली फॉर्म अ न्यू चाइल्ड। जाइगोट का पहले माइटोटिक डिवीजन होगा। ओके, फिर माइटोटिक डिवीजन के बाद में वो एक एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, एंड वो जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट जब मिलेगा तब वो डेवलप होगा इंटू अ न्यू इंडिविजुअल, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज, because of fusion of male and female gamete, the new individual has recombined genes of both the parents. Okay, what this sentence mean, see,
ये जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है या फिर न्यू बेबी जो फॉर्म हुआ है उसमें मेल और फीमेल या फिर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स रहेंगे. सो द न्यू इंडिविजुअल हैज़ रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. ओके, सो दिस न्यू इंडिविजुअल हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. ठीक है, विल सी इट अगेन. गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है? आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद में गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मीन्स मेल या फिर फीमेल गैमेट फॉर्म होता है. कैसे? आफ्टर मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन. ओके, ये जो हमारे क्रोमोज, हमारे बॉडी में जो क्रोमोजोम्स है, आफ्टर मियोसिस ये क्रोमोजोम्स रिड्यूस हो जाते हैं इनटू हाफ एंड उसके बाद में गैमेट्स फॉर्म होता है. ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? डिप्लॉयड मेल गैमेट प्लस सॉरी हैप्लॉयड मेल गैमेट प्लस हैप्लॉयड फीमेल गैमेट फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट. ओके, हैप्लॉयड सिंगल मेल गैमेट प्लस सिंगल फीमेल गैमेट विल फॉर्म व्हाट? अ डबल और डिप्लॉयड जाइगोट. और ये जाइगोट जो है उसका माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा. जाइगोट में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन या फिर माइटोसिस, एंड फिर जाइगोट डेवलप होगा किसमें? एम्ब्रियो में. और ये एम्ब्रियो जो है उसको जब नरिशमेंट मिलेगा वो फाइनली डेवलप होगा किसमें? न्यू इंडिविजुअल में. ओके, या फिर न्यू बेबी में. एंड द न्यू इंडिविजुअल विच इज फॉर्म विल हैव द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, मीन्स इट विल हैव द कैरेक्टर ऑफ फीमेल ऑल्सो एंड मेल ऑल्सो. ओके, हेंस इट इज कॉल्ड एज, हेंस इट इज सेड दैट न्यू इंडिविजुअल हैज द रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. ओके, आफ्टर दिस वी विल सी फर्स्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. ओके, नाउ सी फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ओके, प्लांट्स में स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फ्लावर. ओके, फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इट कंटेन्स फोर फ्लोरल वोल्स. फ्लावर में क्या है? फोर फ्लोरल वोल्स. ओके, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम. ओके, वो हम लोग डायग्राम में देख लेंगे एक बार. सी, फ्लावर इज व्हाट? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. इट कंटेन्स फोर फ्लोरल वोल, उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम. इसेंशियल वोल्स, इसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, दैट आर एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम. एंड एक्सेसरी वोल्स कैलिक्स एंड कोरोला. ओके, कैलिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सेपल्स, जो ग्रीन कलर का होता है. ओके, सेपल्स आर ग्रीन कलर्ड एंड कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल्स. देर आर वेरियसली कलर्ड. ओके, इट कैन बी रेड, पिंक, येलो, वट एवर. देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट. ओके, फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों है, तो एंड्रोशियम जो है उसको मेल पार्ट, एंड्रोशियम को हम लोग मेल पार्ट बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेमेंस. एंड गाइनेशियम इज द फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग कार्पेल्स भी बोलते हैं. ओके, अ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल इफ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर प्रेजेंट. ओके, एक ही फ्लावर में अगर एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम दोनों पार्ट्स है, मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है अगर एक ही फ्लावर में, तो हम लोग उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल बोलते हैं. एग्जाम्पल इज हिबिस्किस. ओके, हिबिस्किस फ्लावर में एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम दोनों पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, एंड यूनिसेक्सुअल इफ ओनली एंड्रोशियम और गाइनेशियम आर प्रेजेंट. एग्जाम्पल पपाया. ओके, एंड वी कॉल द प्लांट एज यूनिसेक्सुअल इफ ओनली एंड्रोशियम और गाइनेशियम इज प्रेजेंट. एग्जाम्पल इज पपाया. ओके, विल सी दिस पार्ट्स इन द डायग्राम. सी हियर इन दिस डायग्राम, एंड्रोशियम हम लोग देखेंगे पहले, दैट इज मेल पार्ट, एंथर एंड फिलामेंटस एंड्रोशियम, जिसको हम लोग मेल फ्लावर बोलते हैं. सी, दिस इज द एंथर. यहाँ से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, राइट? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंथर. एंड दिस फिलामेंटस एंड्रोशियम. ओके, दिस फिलामेंट इज कॉल्ड एज फिलामेंट एंड्रोशियम. तो एंथर एंड दिस फिलामेंट एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट. ओके, देन कैलिक्स. सी, ये जो ग्रीन पार्ट तुम लोगों को दिख रहा है, सेपल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स. एंड दिस पेटल्स, दिस ग्रीन पार्ट वी कॉल्ड इट एज कैलिक्स. एंड दिस कलर पार्ट मीन्स पेटल्स आर कॉल्ड एज कोरोला. ओके, नाउ फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके, दिस इज द स्टिग्मा, दिस फिलामेंट इज द ओवरी, फिलामेंट इज हॉलो स्ट्रक्चर इज ओवरी, एंड दिस वन इज द
this filamentous hollow structure is style and this is the ovary. Stigma, filamentous hollow structure is style and this is the ovary. Okay, stigma, style and ovary is called as gynoecium. This is the female part. Okay, now this is the hibiscus. This is the structure of hibiscus, which contains androecium as well as gynoecium. Okay, इस flower में androecium और gynoecium दोनों parts present है, इसलिए हम लोगों को हम लोग ये flower को क्या बोलते हैं, bisexual. Okay, bisexual flower. Now after this, ovary contains what? Ovary is present at the basal end of the carpel. Ovary कहाँ पे present है? At the basal end of the carpel. Ovary is present at the basal end of the carpel. Okay. Hollow structure comes from the ovary. Hollow structure style comes from the ovary. Stigma is present at the tip of the ovary. Okay. Ovary कहाँ पे present है? At the basal end of the carpel. Carpel हम लोगों ने देखा calyx या फिर sepal. Okay. Ovary is present at the basal end of the carpel and the hollow style comes from the ovary and stigma is present at the tip of the ovary. Ovary contains one or more ovules. Embryo sac is formed in each ovule after mitosis. Okay, embryo sac is formed in each ovule after mitosis. Now embryo sac mein kya hota hai? Haploid egg cell and two haploid polar cells. Okay, embryo sac contains what? Haploid, one haploid egg cell and two haploid polar cells. Okay, this diagram. See, ये ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट है? ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ द कार्पेल. कार्पेल के बेसल एंड पे ओवरी प्रेजेंट है, राइट? देन दिस हॉलो स्टाइल कम्स फ्रॉम द ओवरी. ओके, दिस हॉलो स्टाइल कम्स इन टू द ओवरी एंड स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ओवरी. ये पूरा स्ट्रक्चर अगर ओवरी है तो ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द बेस ऑफ द कार्पल. देन दिस हॉलो स्टाइल comes into the ovary and stigma is present on the top of the ovary or tip of the ovary. Okay, और ये ovary जो ovary के अंदर हम लोग what we will see, there are one or more ovules. ये जो small light green structure तुम लोगों को दिख रहा है, those are ovules. Okay, ovary के अंदर, और ovary contains what? One or more ovules. Okay, and embryo sac is formed from each ovule. ये हर एक ovule जो है, that ovule will give rise to what? Will form a embryo sac. And embryo sac के अंदर क्या होता है? Haploid egg cell and haploid and two haploid polar nuclei. Okay, what is present inside the embryo sac? Haploid egg cell and two haploid polar nuclei. Okay, embryo कैसे form होता है? सी ओवरी के अंदर क्या होते हैं? वन और मोर ओव्यूल्स. अभी ये ओव्यूल का क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा एंड ओव्यूल क्या फॉर्म करेगा? एम्ब्रियो सैक. ओके, एंड फिर उस एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? हैप्लॉइड एग सेल एंड टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर. ओके, तो अभी हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लिया, मेल पार्ट्स क्या है, फीमेल पार्ट्स क्या है वो देख लिया. ओके, तो गाइनेशियम में जो स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी है उसको फीमेल पार्ट बोलते हैं, और एंड्रोशियम में जो एंथर और फिलामेंटस एंड्रोशियम है उसको मेल पार्ट बोलते हैं. ओके, सो आफ्टर दिस वी विल सी डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म. ओके, सी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा. एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स, राइट? एंथर जो मेल पार्ट है, ऑलरेडी टोल्ड यू, उससे क्या फॉर्म होता है? पोलन ग्रेन्स. ओके, तो वो पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? ऑन द स्टिग्मा. दिस इज स्टिग्मा, राइट? तो पोलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर हो गए कहाँ पे? स्टिग्मा पे. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. ओके, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा. ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. ओके, तो पॉलिनेशन के दो टाइप से एबायोटिक पॉलिनेशन कैन अकर विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक एजेंट. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एंड बायोटिक मीन्स लिविंग. सो एबायोटिक एजेंट लाइक विंड एंड वाटर. ओके, विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर द पोलन ग्रेन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर और सेम ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर. ओके, एंड बायोटिक एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स. ओके,
सो पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या है? एबायोटिक एजेंट्स विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक एजेंट्स आर इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, राइट? सो स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन. ये जो स्टिग्मा है वो स्टिकी हो जाता है, स्टिकी बिकॉज ऑफ द स्टिकीनेस पोलन ग्रेन्स उस पर अट्रैक्ट होते. ओके, सो स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन. पॉलिनेशन जर्मिनेस when they fall upon such sticky stigma. Okay, pollen grains जो है वो germinate होते हैं when they fall upon the sticky stigma. Okay, stigma becomes sticky during pollination and because it is sticky pollen grains उस पर germinate होते हैं. Germinate means they open up. Okay, the pollen tube carries, they matures. Germinate means they matures. The pollen tube कैरेज मेल गैमेट. ओके, अब ये जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं एंड क्या फॉर्म करेगा? एक पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा एंड दो मेल गैमेट्स फॉर्म करेगा. ओके, पोलन ट्यूब क्यों फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म अ पोलन ट्यूब एंड दिस पोलन ट्यूब विल एक्ट एज व्हाट? व्हीकल. ओके, एंड विल कैरी दिस मेल गैमेट्स इन टू द ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक. ओके, सी द पोलन ट्यूब कैरीज टू मेल गैमेट. पोलन ट्यूब एक्ट एज व्हीकल एंड कैरीज टू मेल गैमेट. द पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो वाया द स्टाइल. नाउ दिस इज स्टाइल, राइट? दिस आफ्टर स्टिग्मा द हॉलो स्ट्रक्चर इज स्टाइल. तो ये स्टाइल के अंदर क्या है? पोलन ट्यूब है. ये पोलन ट्यूब, दिस पोलन ट्यूब विल एक्ट एज व्हीकल एंड विल कैरी द टू मेल गैमेट्स इन टू द ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक. ओके, द टिप ऑफ पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड टू मेल गैमेट्स आर रिलीज इन टू द एम्ब्रियो सैक. अभी ये जो टिप है पोलन ट्यूब की, सी यू कैन सी क्लियरली इन दिस डायग्राम, दिस टिप ऑफ पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड दिस टेक्स द, दिस ब्रिंग्स द टू मेल गैमेट्स इन टू द एम्ब्रियो सैक. ओके, वन मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट एंड दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. नाउ एज आई टोल्ड यू, एम्ब्रियो सैक कंटेन्स वॉट? वन हैप्लॉइड एक्सेल एंड हैप्लॉइड एंड टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर इच एम्ब्रियो सैक. अभी ये जो एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक. ओव्यूल फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक. नाउ इच एम्ब्रियो सैक हैज वॉट? हैप्लॉइड एक्सेल एंड टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर. वन हैप्लॉइड एक्सेल होता है उसमें एंड टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर होता है. एंड पोलन ट्यूब में जो दो मेल गैमेट्स हैं, तो वो दो मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट किसके साथ यूनाइट करेगा? विद द एग सेल एंड विल फॉर्म जाइगोट. ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. ओके, नाउ सी, ये जो मेल गैमेट्स है ये कहाँ पे आ गए? इन टू द एम्ब्रियो सैक. ओके, ये जो टिप है पोलन ट्यूब का टिप बर्स्ट हो जाता है और फिर जो मेल गैमेट्स है वो एंटर हो जाते हैं किसमें? एम्ब्रियो सैक में. और एम्ब्रियो सैक में क्या है? एक हैप्लॉइड सेल है और दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर है. एंड ये जो दो मेल गैमेट्स है उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइज करेगा किसके साथ? एक सेल के साथ. ओके, एक के साथ यूनाइट करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. एंड सेकेंड मेल गैमेट जो है वो यूनाइट करेगा किसके साथ? जो टू पोलर न्यूक्लियर है उसके साथ यूनाइट करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा? एंडोस्पर्म. ओके, एज टू न्यूक्लियर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, बिकॉज देर आर टू न्यूक्लियर इन द प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. क्लियर? सो वी विल सी दिस डबल फर्टिलाइजेशन अगेन. सी, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट? एंथर में पोलन ग्रेन्स हो रहते हैं. एंथर इज वॉट? मेल गैमेट. सो पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. नाउ सी हियर, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. स्टिग्मा के बाद में क्या है? स्टाइल है. ओके, फिर पोलन ग्रेन्स किसके वजह से ट्रांसफर होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स. क्लियर? देन जब पोलन ग्रेन्स या फिर पॉलिनेशन होता है तब ये स्टिग्मा जो है वो स्टिकी हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ द स्टिकीनेस दिस पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट. जर्मिनेट मीन्स ये पोलन ग्रेन मेच्योर हो सकते हैं. ओके, दे मेच्योर एंड फॉर्म अ पोलन ट्यूब एंड टू मेल गैमेट्स इनसाइड इट. ओके, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, मेच्योर होगा एंड क्या फॉर्म करेगा? अ पोलन ट्यूब एंड टू मेल गैमेट्स. ओके, फिर ये जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू एंटर होगा किसके अंदर? ओव्यूल्स के अंदर, राइट? फिर पोलन ट्यूब का जो टिप है वो बर्स्ट हो जाएगा एंड जो मेल गैमेट्स है, टू मेल गैमेट्स है, वो एंटर हो गए किसमें? एम्ब्रियो सैक में, राइट? और एम्ब्रियो सैक में क्या है? इट हैज वन हैप्लॉइड सेल, एक हैप्लॉइड एग सेल है एंड दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर है. तो पहला एग सेल किसके साथ यूनाइट होगा? एग सेल के साथ एंड क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. एंड सेकेंड मेल गैमेट जो है वो यूनाइट करेगा किसके साथ?
पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंड विल फॉर्म एंडोस्पर्म. ओके एंड एज टू न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट्स इन दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. ओके सो यू हैव कंप्लीटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अपडेट्स विद द प्रोफेसर. थैंक यू.